सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो फिर चलिए पाव भाजी का मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 8 से 10 हमें चाहिए इलायची, अगर आप बड़ी इलायची इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी डाल सकते हो, 10 से 12 हमें चाहिए लौंग, 15 से 20 हम ले लेंगे सूखी वाली लाल मिर्च, 3 बड़े चम्मच हम लेंगे साबुत जीरा और 2 बड़े चम्मच हम लेंगे सौंफ, 1 बड़े चम्मच जितना हम ले लेंगे साबुत काली मिर्च, आप कुटी हुई काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता ली है, 1 बड़े साइज़ का 1 छोटे साइज़ का, इस तरीके से तोड़ के लेना तो ना आपको रोस्ट करने में आसानी होगी। और उसी के साथ में हम लेंगे दालचीनी, तो 2 छोटे पीसेस ली है मैंने दालचीनी के, उसको भी इस तरीके से तोड़ लेना। और बस सारी चीज़ें तैयार है, अभी हम इसको सीधा लेके चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे हम एक पैन या फिर एक तवा ले लेंगे और उस पे ये सारे मसाले डाल देंगे। फ्लेम को हम पहले मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे और जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी हम फ्लेम को कर देंगे लो पे। और लो फ्लेम पे हम इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़े से गर्म नहीं हो जाती है। मसाले थोड़े से गर्म हो जाएंगे तभी वो जाके क्रिस्पी बनेगी और रोस्ट होगी। तो 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इसे रोस्ट करने में लो फ्लेम पे, थोड़ा सा ढक के रखना ताकि ये जो गर्म ऊपर जा रही है ना ये अंदर ही रहेगी। तो बस लो फ्लेम पे मैंने इसको रोस्ट की है, एक बार चेक कर लेना दोस्तों कि रोस्ट हुई है या नहीं। एक धनिया ही आप ले लेना, हाथों से तोड़ लेना, अगर ये टूट जाए आसानी से तो आप समझ जाना कि ये बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है, ये थोड़ा सा कुड़कुड़ा सा हो जाएगा। अब ये देखो ये कुरकुरी हो चुकी है, तो इसे ना बस थोड़ा सा ठंडा करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा हो गया ना तो ये ना ग्राइंड नहीं होगी, तो ये बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए छूने लायक, नहीं तो मिक्सर ख़राब हो सकती है। तो सारी चीज़ अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, आप देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो अभी इसको हम डाल देंगे एक मिक्सर के जार में। और ढक्कन बंद करके हम इसका एक पाउडर बना के लाएंगे। तो ये लो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली है, इसका एक स्मूथ पाउडर मैंने बना ली है। अभी भी ना वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, रेसिपी अभी भी बाकी है, आप स्किप मत करना। आप स्किप कर लेते हो लास्ट तक देखते नहीं हो और आपको समझ में नहीं आता है, तो मसाले अभी भी बाकी है। तो ये मसाले जो हमने ग्राइंड किए हैं और बाकी के जो मसाले हैं, 1 बड़े चम्मच आपको यहाँ पे डाल दिया है आमचूर पाउडर, चाट मसाला भी डाल सकते हो, और 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सादा नमक, और 1/2 छोटा चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। बस अभी ये मसाले जो है वो कंप्लीट हुई है, अच्छे से इसको मिला देना, एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो सालों भर के लिए, और कभी भी मन चाहे पाव भाजी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर दोस्तों मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।